सामाजिक संस्था यस हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स टीम को राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए रवाना होने के अवसर पर ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया और युवाओं को नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में खेलों में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके नरेंद्र अत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने ड्रग्स नहीं दूध चाहिए, देश का युवा मजबूत होना चाहिए नारे को भी बुलंद कर शपथ ग्रहण की। सामाजिक संस्था यस हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स टीम को राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए रवाना होने के अवसर पर टीम को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया और युवाओं को नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में खेलों में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके नरेंद्र अत्री विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने ड्रग्स नहीं दूध चाहिए, देश का युवा मजबूत चाहिए नारे को भी बुलंद कर शपथ ग्रहण की। इस मौके पर सामाजिक संस्था यस हिमाचल के खेलकूद विभाग के प्रदेश संयोजक नरेश राणा, स्कूली टीम के कोच विक्रम वीर भगत, प्रवीण पठानिया, सुरजीत ठाकुर, सरिता रंजनी कुमारी मौजूद रहे। वहीं स्कूल टीम के खिलाड़ियों ने यस हिमाचल का ट्रैक सूट देने के लिए धन्यवाद किया। मैं खुशी नरेंद्र अत्री, श्री नरेंद्र अत्री जी का और यश हिमाचल का धन्यवाद करती हूँ। हम स्कूल जिन्होंने हमारे को प्रोवाइड ट्रैक सूट प्रोवाइड करवाए। अभी हम स्कूल नेशनल खेलने के लिए संगरूर जा रहे हैं, हमारा हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आशा ठाकुर, श्री नरेंद्र अत्री जी जो कि हमारे पुराने एथलीट भी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने हम जो एथलीट यहाँ हिमाचल से आगे नेशनल में अपना अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उन्होंने हमें ट्रैक सूट प्रोवाइड किया है। जो अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स की टीम है वो संगरूर के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए जा रही है। हमारा जो कोचिंग कैंप है यहाँ 26 तारीख से शुरू हो गया था और इसमें लगभग 12 लड़कियां और 8 लड़के, 20 बच्चे टोटल इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो कैंप है हमारा यहाँ बहुत अच्छा रहा है और आज हम इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा नेता श्री अत्री जी और प्रवीण पठानिया जी, इनके सहयोग से इन बच्चों को यहाँ पे ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। तो हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए ये ट्रैक सूट दिए हैं और अत्री जी खुद भी एक राष्ट्रीय स्तर से के खिलाड़ी रहे हैं और इस बात से इनके खेल के प्रति इनका कितना प्यार, इस बात से इनका पता चल जाता है। इन्होंने बच्चों को जो है यह संस्था जो इनकी है उसके संस्थापक है, यह संस्था के द्वारा यहाँ पर अत्री जी द्वारा ट्रैक सूट दिए, हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि बच्चों को। नरेंद्र अत्री ने चैंपियन धावक धाविकाओं को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में तो शानदार प्रदर्शन कर अपने माता पिता स्कूल एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़े होकर समाज व देश के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस यस हिमाचल प्रदेश के प्रयास एवं युवाओं को प्रोत्साहन की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि संस्था समाज में बढ़ रही नशे जैसी कुरीतियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखेगी। मैं हिमाचल प्रदेश अंडर 17 की एथलेटिक्स टीम जो राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज संगरूर रवाना हो रही है उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सामाजिक संस्था यस हिमाचल जिन्होंने इस टीम को ड्रेस ट्रैक सूट प्रोवाइड करवाया है, इस संस्था का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि जो टीम रवाना हुई है प्रदेश का नाम रोशन करके आएगी, अच्छा प्रदर्शन करके आएगी। इसके साथ साथ चैंपियन एथलीट्स जो रवाना हुए हैं इनसे हमने ये भी आग्रह किया है कि ये अच्छा प्रदर्शन कर अपने माता पिता स्कूल एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ साथ प्रदेश में
बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भूमिका अदा करें, ताकि हमारा जो युवा है वो भ्रमित ना होकर जीवन में सही दिशा में आगे बढ़कर समाज में, राष्ट्र में अपना दायित्व, अपना कर्तव्य अच्छे से आने वाले समय में निभा पाए।